आप हैंडल कर लेंगे. आप सब लोग कभी ना कभी अपनी जिंदगी में डिसेबिलिटी को एक्सपीरियंस करेंगे कहीं ना कहीं इन सम वे. ओल्ड एज में अक्सर होता है मैं सफ़र करती हूँ तो जहाज़ लैंड करता है तो जब एक कंपार्टमेंट एक जब हमें लेने के लिए आता है तो उसमें मुझे स्पेशल जो ट्रांसपोर्टेशन देनी होती है मेन टर्मिनल पहुँचाने उसमें सिर्फ बुजुर्ग लोग होते हैं. मैंने आज तक एक जेन्युइनली डिसेबल्ड इंसान उसमें नहीं देखा और मैंने सोचा बूढ़ा तो है किसी ने होना है तो फिर क्यों हमारे मुल्क के लोग इतना स्टिग्मा क्रिएट करते हैं अगेंस्ट डिसेबिलिटी. आई मीन एक इंसान की डिसेबिलिटी ऑलरेडी है फिर ऊपर से इतना ज़्यादा उसको एलिनेट करना आइसोलेट कर देना. आई थिंक अगर मेरी थोड़ी बचत होगी है वो मेरी आवाज़ की वजह से होगी है क्योंकि मुझे याद है अगर मैं किसी महफिल में जाऊँ तो सब खड़े होकर बात कर रहे होते थे तो मैं जाके बात करूँ सलाम करूँ तो किसी को पता ही नहीं चलता था कि कोई आई है वो भी बात करना चाह रही है. तो जहाँ पर मेरी ये कमी थी अल्लाह ने मुझे ऊंची आवाज़ दी तो अब जब मैं सलाम करती हूँ सब डर जाते. तो हमें ये गौर करना है कि हमारी कौन सी एबिलिटी है जो हमारी मिसिंग एबिलिटी को कॉम्प्लीमेंट कर सके कंपनसेट कर सके उसको मैच कर सके. और ये मैथमेटिकल काम है. दिस इज साइंस एज सिंपल एज दैट. तो दिमाग आपको दे दिया गया है प्लेटफॉर्म्स आपको दे दिए गए हैं कम्युनिटी आपको दे दी गई है और मसले भी आपको दे दिए गए हैं. अब आप क्या करते हैं ज़िंदगी के साथ वो मैटर करता है. आज इतना काम करने के बावजूद 10 साल पहले मैंने अपना करियर शुरू किया. मैंने किताब लिखी उसके बाद वो किताब बेची हमारे अर्थक्वेक के विक्टिम्स के लिए और वहाँ से एक सफ़र का आगाज़ हुआ जब ख्याल आया कि हे मैं भी कुछ कर सकती हूँ. ऐसा नहीं है कि आई एम डिसेबल्ड तो डज नॉट मीन कि मुझे कमरे में बंद ही होना है. आई डू कैन डू समथिंग. और यही एक सोच है दैट टेक्स यू टू प्लेसेस कि आप भी कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी के अंदर. एंड माय टाइम इज़ अप. वेरी पोलाइटली आई हैव बीन टोल्ड थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ